अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक नाइट क्रीम या फिर एक नाइट मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन केयर रूटीन का एक बहुत अहम पार्ट है, और इसके बगैर हमारा स्किन केयर रूटीन इनकम्प्लीट है। तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने लिए एक अच्छी सी नाइट क्रीम बाय करूँ और आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूँ। तो मेरी नज़र पड़ी ओले के 7-in-1 नाइट फॉर्मिंग मॉइस्चराइज़र पर, जो कि काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस है, और ओले भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है। तो मैंने इस बार ओले के इस नाइट मॉइस्चराइज़र को ट्राई किया और इसे मैं ऑलमोस्ट पूरा यूज़ कर चुकी हूँ, और इस वीडियो में आप लोगों के साथ इसका पूरा रिव्यू शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ओले के इस मॉइस्चराइज़र का नाम है ओले टोटल इफ़ेक्ट्स 7-in-1 नाइट फॉर्मिंग मॉइस्चराइज़र, और ये डे फॉर्म में भी आता है। बस उसके अंदर डिफरेंस ये है कि उसके अंदर आई थिंक SPF 15 शामिल है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी एज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सनब्लॉक, क्योंकि जिस टेम्परेचर में हम लोग रहते हैं हमें उसमें एटलीस्ट SPF 30 या SPF 50 की नीड होती है। इस क्रीम की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये पम्प फॉर्म में है और नॉर्मल जार फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए काफ़ी हाइजीनिक है, और आपकी जो क्रीम है वो हवा के साथ एक्सपोज नहीं होगी तो ऑक्सीडाइज़ होने से बची रहेगी। मुझे इस क्रीम का कॉम्पोजिशन काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसके शुरू के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के मेन कंपोनेंट होते हैं और ज़्यादा परसेंटेज में मिले होते हैं, उसमें नंबर 2 पे आता है ग्लिसरीन और नंबर 3 पे आता है नियासिनामाइड, विच इज़ वाइटामिन B3 एंड विच इज़ अमेजिंग फॉर आवर स्किन, क्योंकि नियासिनामाइड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, हमारी इरिटेशन स्किन की कम करता है, उसे सूथ करता है स्किन को, हमारे स्किन को लाइटन करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और रिंकल्स को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक ये बूस्ट करता है कॉलेजन प्रोडक्शन और हमारे स्किन को बनाता है फर्मर, और एक्ने को भी ट्रीट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नियासिनामाइड जो है वो ज़्यादातर स्किन टाइप्स को सूट करता है। इस मॉइस्चराइज़र की दूसरी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट्स का, जिसके अंदर आ जाता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो कि प्रिवेंट करता है सन डैमेज को और सूथ करता है इन्फ्लेमेशन को और रेडनेस को, और इसके अंदर है विटामिन ई, जो कि अगेन फाइट करता है फ्री रेडिकल्स से और हमारे स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, और स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी भी मौजूद है, जो कि फाइट करता है फ्री रेडिकल को, और उस विटामिन सी के भी बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर बात करें इस मॉइस्चराइज़र के टेक्सचर की, तो ना ही ये बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, इट्स समवेयर इन बिटवीन। ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है स्किन पे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अ लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे, एंड ये बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। इसके अंदर सेंट मौजूद है पर काफ़ी माइल्ड है। अब मैं शेयर करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि इसको यूज़ करने के बाद मुझे क्या रिज़ल्ट मिला। एक्चुअली मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन टू ऑयली, और अगर आप इसे समर्स में यूज़ करेंगे खासकर, तो इसकी कम क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा, एक पी साइज अमाउंट ही काफ़ी है, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर ली थी और मेरी स्किन काफ़ी ऑयली फील हो रही थी मुझे। ये क्रीम आपके आराम से 3 मंथ्स तक चल जाएगी, और इसे कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन सॉफ्ट फील होती है, हाइड्रेटेड लगती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड फील होती है, और ओवरऑल मेरी स्किन हेल्दी लगती है, और सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि मेरी स्किन मुझे फर्मर फील होती है। अभी आपके रिंकल्स पे काम करेगी कि नहीं मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे रिंकल्स का इतना इशू नहीं है, लेकिन आई एम श्योर ये रिंकल्स को प्रिवेंट ज़रूर करेगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। और रही बात ब्राइटन अप करने की, ये स्किन को हाँ थोड़ा बहुत ब्राइटन अप करती है, क्योंकि ये आपके स्किन टोन को इवन करती है, और मुझे कुछ एक्ने स्कार्स हो रहे थे वो भी लाइटन हुए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, वो स्कार्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एटलीस्ट वो लाइट हुए हैं। तो मेरी तरफ से ये मॉइस्चराइज़र वर्थ बाइंग है और रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनको अभी एजिंग का इतना इशू नहीं है, और वो कोई अच्छी एंटी एजिंग प्रोडक्ट अपनी स्किन के रेजीम में इंक्लूड करना चाहते हैं और जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं कोई एंटी एजिंग क्रीम, और जिनकी एज अभी 20s में है या 30s में है और उनको एजिंग का इतना इशू तो नहीं है, बट वो फ्यूचर में रिंकल्स को और एजिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं, ये उनके लिए काफ़ी अच्छी है, और उनके लिए भी अच्छी है जिनको विटामिन ए या रेटिनॉल सूट नहीं करता। इस मॉइस्चराइज़र की प्राइस है 1550 रुपीज़, और आफ्टर ओपनिंग इसको आपको यूज़ करना है 12 मंथ्स के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।